सातवां आंध्र प्रदेश और आठवां इधर कौन होगा? म्यांमार। उसके बाद आपका भूटान। कौन? भूटान। आर्थिक क्षेत्र, भारत का कुल क्षेत्रफल जो टोटल एरिया है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 32,87,263। अब उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तो नॉर्थ से आपका साउथ, उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई ये आपका 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितना? 3214 किलोमीटर। ठीक वैसे ही आपका पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम तो पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई ये आपका 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर। क्लियर है? पूरब से पश्चिम कितना? 2933। उत्तर से दक्षिण कितना? 3214। ओके, ठीक वैसे ही भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई और भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई, तो यहां से लेके पूरा ऐसे जाओगे यहां तक, ये भारत की क्या है? स्थलीय सीमा है। क्या है? स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई ये 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। ठीक वैसे ही भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई, तो यहां से ये पूरा यहां तक ये भारत की क्या है? जलीय सीमा। तो जलीय सीमा की कुल लंबाई, जलीय सीमा भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की कुल लंबाई ये 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। अब यहां पे आपको द्वीप भी देखने को मिलेंगे, आपका लक्षद्वीप है। ठीक वैसे जाओगे तो इधर आपको क्या देखने को मिलेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या मिलेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और तटीय क्षेत्रों में भी आपको बहुत सारे द्वीप देखने को मिलेंगे, तो द्वीपों की भी अपनी क्या होगी? जलीय सीमा होगी। क्लियर है? तो द्वीपों सहित भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई ये 7516.6 किलोमीटर है। कितना? 7516.6 किलोमीटर। भारत की द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई कितनी? 7516.6 किलोमीटर। जबकि भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितना? 6100 किलोमीटर। और भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना? तो 15,200 किलोमीटर। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं कि स्थलीय सीमा से लगे हुए राज्यों की संख्या कितनी, जलीय सीमा से लगे हुए राज्यों की संख्या कितनी और भू आवेष्टित राज्य कितने हैं। ओके, तो देखते हैं। एक आपका स्थलीय सीमा से लगे हुए राज्य जो स्थलीय सीमा निर्धारित करते हैं, एक गुजरात, दूसरा यहां पे कौन? राजस्थान। तीसरा कौन? पंजाब। चौथा यहां पे हिमाचल प्रदेश, वो अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दो, ना राज्य की बात कर रहा हूं। तो एक गुजरात, दो राजस्थान, तीन पंजाब, चौथा कौन? हिमाचल प्रदेश। पांचवा कौन यहां पे? उत्तराखंड। कौन? उत्तराखंड। छठवा कौन होगा? इधर आपका यूपी। सातवा बिहार। आठवा कौन? सिक्किम। नौवा अरुणाचल प्रदेश। दसवा नागालैंड। ग्यारहवा मणिपुर। बारह मिजोरम। तेरह त्रिपुरा। चौदह कौन? मेघालय। और यहीं पे क्या होगा आपका? असम। क्लियर? पंद्रह और सोलहवा कौन? पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल। तो सोलह राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं? स्थलीय सीमा निर्धारित करते हैं। ठीक वैसे ही जलीय सीमा निर्धारित करने वाले राज्यों की संख्या, एक गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवा तमिलनाडु, सातवा आंध्र प्रदेश और आठवा इधर कौन होगा? उड़ीसा। कौन? उड़ीसा। ठीक, और नौवा कौन? पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल। तो नौ राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं? जलीय सीमा निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? जलीय सीमा निर्धारित करने वाले राज्यों की संख्या कितनी? नौ।
ठीक वैसे ही भू आवेष्टित राज्यों की संख्या 5, कितना 5। तो भू आवेष्टित राज्य ऐसे राज्य जो अन्य राज्यों की सीमा से क्या हो, घिरे हुए हो, वह उनकी किसी भी प्रकार की कोई भी जली सीमा न हो, वो कहलाते हैं आपका क्या, लैंड लॉक्ड स्टेट या आपका भू आवेष्टित राज्य। तो भू आवेष्टित राज्य हमें से शुरू करते हैं, एक आपका कौन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ कौन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से ही लगा हुआ कौन आपका झारखंड, और छत्तीसगढ़ से ही नीचे लगा हुआ कौन तेलंगाना, और ऊपर एक यहां पे आपको देखने को मिलेगा क्या हरियाणा। क्लियर है? तो 5 राज्य ऐसे हैं जो क्या है आपका भू आवेष्टित है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और आपका कौन हरियाणा। तो भू आवेष्टित राज्यों की संख्या कितनी है आपका 5, कितना 5। ओके, तो 16, 9, 25, 25, 5 आपका 30, कितना 30। अब हमको पता है अभी वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है 28, तो यहां पे 30 कैसे आ रहा बोले, तो दो राज्यों को हम लोग जली सीमा में भी निर्धारित किए हैं, काउंट किए हैं, और आपका स्थली सीमा में भी। तो वो दो राज्य कौन कौन से, तो एक तो आपका गुजरात और दूसरा कौन आपका पश्चिम बंगाल। तो गुजरात और पश्चिम बंगाल ये दोनों स्थली सीमा भी निर्धारित करेंगे और ये दोनों जली सीमा भी निर्धारित करेंगे, कौन कौन, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो दोनों को हम लोग दो बार काउंट किए हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 28। तो वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी 28। अब 16 राज्य क्या कर रहे हैं स्थली सीमा बना रहे हैं, 9 राज्य क्या कर रहे हैं आपका जली सीमा बना रहे हैं, 5 राज्य क्या है आपका भू आवेष्टित है, ठीक वैसे ही 2 राज्य जली सीमा भी बना रहे हैं और आपका स्थली सीमा भी, कौन कौन सा, गुजरात और पश्चिम बंगाल। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अब इन राज्यों में देखते हैं कि कौन कौन से राज्य। ओके, तो हमको पता है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। ओके, सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की, और न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है, तो आपका सिक्किम की, किसका, सिक्किम का। क्लियर है यहां तक? ओके, अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों की। तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो यहां पे आपको देखने मिलेगा, ये आपका पाकिस्तान है। क्या है, पाकिस्तान, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद ये आपका क्या है, अफगानिस्तान है। क्या है, अफगानिस्तान। इधर जाओगे तो ये पूरा का पूरा क्या है आपका, चीन है। क्या है, चीन, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक, पीआरसी। यहां से जाओगे तो ये आपको दिखेगा क्या, म्यांमार। क्या दिखेगा, म्यांमार, पुराना नाम बर्मा, इसी को ब्रह्मदेश भी कहते हैं। यहां पे आपका क्या है, बांग्लादेश है। क्या है, बांग्लादेश। यहां पे आपका क्या है, नेपाल है। क्या है, नेपाल। और इधर जाओगे तो ये क्या है आपका, भूटान है। क्या है, भूटान, ठीक। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी, 7। एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा कौन, भूटान, और छठवा कौन, म्यांमार, सातवा कौन, बांग्लादेश। कौन, बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश 7। तो 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सीमा रेखा क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक वैसे ही नीचे जाओगे तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, श्रीलंका, और यहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मालदीव। क्या मिलेगा, मालदीव। ये श्रीलंका और ये मालदीव। तो श्रीलंका और मालदीव, अभी फुल चर्चे में था ना मालदीव, ये दोनों भी भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन ये जली सीमा के माध्यम से क्या होते हैं, भारत से सेपरेट होते हैं, पृथक होते हैं, उसको बाद में देखेंगे। तो 7 पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा निर्धारित कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा सीमा निर्धारित करने वाला देश, पड़ोसी देश कौन सा है, तो क्रम से याद रखना, सबसे लंबी सीमा निर्धारित करने वाला और सबसे कम सीमा निर्धारित करने वाला पड़ोसी देश। तो सर्वाधिक सीमा निर्धारित करता है कौन आपका, बांग्लादेश। कौन, बांग्लादेश, ठीक, बांग्लादेश। ओके, उसके बाद चीन। कौन, चीन, ठीक। उसके बाद पाकिस्तान। कौन, पाकिस्तान। क्लियर।
उसके बाद आपका नेपाल, कौन? नेपाल, ठीक। उसके बाद आपका म्यांमार, कौन? म्यांमार, कौन? म्यांमार। उसके बाद आपका भूटान, कौन? भूटान। और लास्ट में कौन आपका? अफगानिस्तान, ठीक, कौन? अफगानिस्तान। क्लियर। तो सर्वाधिक सीमा निर्धारित करने वाला देश कौन सा? बांग्लादेश, ठीक। बांग्लादेश के बाद चीन, चीन के बाद पाकिस्तान, उसके बाद कौन आपका? नेपाल, उसके बाद म्यांमार, फिर भूटान, फिर सबसे कम सीमा निर्धारित कौन करता है? अफगानिस्तान, कौन? अफगानिस्तान, याद रहेगा। ओके, चलिए अब पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से राज्य सीमा रेखा निर्धारित करते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो हमारे यहां के राज्यों से बॉर्डर क्रिएट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान से लगे हुए राज्यों की संख्या, एक गुजरात है, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब। हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान को टच नहीं करता, इस बात को अच्छे से याद रखना, क्लियर है। तो राज्यों की संख्या कितनी? तीन। और यहां पे आपका जम्मू कश्मीर होगा, ओके, और ये आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो राज्यों की संख्या तीन और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश, ओके। उसके बाद आपका अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ आपका यहां से तो जम्मू कश्मीर है, ओके। तो ये पूरा क्या है आपका? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। और ये आपका कहलाता है क्या? पीओके। क्या कहलाता है? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिग्रहित कश्मीर। तो देखा जाए तो आज वर्तमान में अफगानिस्तान भारत से सीमा रेखा निर्धारित नहीं करता, वो किसके साथ कर रहा है? आधिकारिक तौर पे तो पीओके के साथ में, लेकिन चूंकि उसका अधिग्रहण कर लिया गया है, वास्तव में देखा जाए तो वो क्षेत्र हमारा ही है, इसलिए हम कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा क्या है? पड़ोसी देश है, और उसके साथ हम सीमा रेखा साझा कर रहे हैं, क्लियर है, ओके। तो पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान और पंजाब, तीन राज्य, और एक आपका जम्मू कश्मीर और एक आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बॉर्डर बना रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ केवल और केवल कौन आपका? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन वास्तव में देखें तो ये किसके साथ बॉर्डर बना रहा है? पीओके के साथ में। अब बात करते हैं यहां पे चाइना की, किसकी? चाइना की। तो यहां से देखा जाए तो ये अक्साई चीन है। क्या है? अक्साई चीन। तो चीन के साथ कौन बॉर्डर बना रहा है? तो एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, एक आपका हिमाचल प्रदेश, ये राज्य है, दूसरा आपका उत्तराखंड, अब यहां से नेपाल आ गया तो इधर का तो छोड़ दो, यहां पे कौन आपका? सिक्किम, कौन? सिक्किम। और उसके बाद कौन यहां पे आपका? अरुणाचल प्रदेश, कौन? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नेपाल, तो नेपाल में यहां पे उत्तराखंड, ये यूपी, ये बिहार और ये आपका सिक्किम, लेकिन याद रखना ये पश्चिम बंगाल है ना। क्या है? पश्चिम बंगाल, ये पूरा क्या है? पश्चिम बंगाल है। यहां पे आके खत्म होगा और यहां से आपका खत्म। तो पश्चिम बंगाल याद रखना, ये नेपाल के साथ भी यहां पे बॉर्डर बनाता है ना, केवल नीचे में नहीं है, ऊपर भी है, ओके। तो नेपाल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, उसके बाद कहां पे आपका? पश्चिम बंगाल, और ये आपका सिक्किम। क्या? सिक्किम। उसके बाद भूटान की बात करें तो भूटान, सिक्किम, और देखो यहां पे ये पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर बना रहा है, कौन? भूटान। तो याद रखना पश्चिम बंगाल जो है वो नेपाल से भी बॉर्डर क्रिएट करता है, और यहां पे किससे? भूटान से। किससे? भूटान से। तो भूटान सिक्किम के साथ में, पश्चिम बंगाल के साथ में, इधर पूरा असम और इधर पूरा किस पे? अरुणाचल प्रदेश पे, क्लियर है। अब बात करते हैं म्यांमार की, तो म्यांमार ये अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, क्लियर है। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश ये पूरा किसका है? पश्चिम बंगाल का। यहां पे बॉर्डर बनाता है असम के साथ में, कहां पे? असम के साथ। उसके बाद आपका मेघालय, मेघालय के बाद फिर से यहां पे बॉर्डर बनाएगा किसके साथ? असम के साथ। तो दो बार बॉर्डर बना रहे हैं, कौन? पश्चिम बंगाल, सॉरी बांग्लादेश। उसके बाद आपका त्रिपुरा, क्या? त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो बांग्लादेश, एक पश्चिम बंगाल, दूसरा मेघालय, असम को दो बार काउंट नहीं करना, तीसरा असम, चौथा त्रिपुरा, और पांचवा कौन आपका? मिजोरम, क्लियर है। अब यहीं पे एक चीज याद रखना
कि जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। कितने ओर से? तीन ओर से। कौन आपका? तो त्रिपुरा। क्लियर है? बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा। क्लियर है? अब एक चीज याद रखना, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ बॉर्डर बना रहा है? तो यहां से तो दिख रहा है कि आपका पूरा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। यहां पे दिख रहा है नेपाल के साथ, और यहां पे दिख रहा है किसके साथ? भूटान के साथ। क्लियर है? ओके, चलो यहां तक बनेगा। अब बात करते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हम कौन कौन सा बॉर्डर क्रिएट करते हैं। ओके, यहां पे सर क्रीक रेखा है। क्या है? सर क्रीक रेखा। तो यहां पे याद रखना, सर क्रीक रेखा गुजरात में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो बॉर्डर है, ये जो सीमा रेखा निर्धारित की गई है, उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। ठीक वैसे ही भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जो बॉर्डर दिख रही है, जो सीमा रेखा निर्धारित की गई है, इसको भी कहते हैं क्या? आपका रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब विभाजन जब हुआ, तो ये आपका पाकिस्तान बना, और ये आपका क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। तो विभाजन करने वाले कौन आपका? तो मिस्टर रेड क्लिफ। तो उन्हीं के नाम पे बोले कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा निर्धारित की गई है, उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। पहले यह पूर्वी पाकिस्तान था, तो यहां पे भी बोले कि ये वाला भी, ये पूर्वी पाकिस्तान और ये भारत का क्षेत्र, तो ये बांग्लादेश, बाद में बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, पाकिस्तान से क्या हुआ? अलग हुआ। तो ये वाला जो बांग्लादेश और भारत के बीच में सीमा रेखा निर्धारित की गई, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, उसकी भी सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि निर्धारण किसने किया था? रेड क्लिफ ने। क्लियर है? अब बात करते हैं अफगानिस्तान और भारत के बीच में। तो 1896 में हेनरी डुरंट के द्वारा भारत, यानी कि उस समय ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में क्या किया गया? विभाजन किया गया। बोले यह वाला एरिया आपका, यह वाला एरिया हमारा। तो बीच में जो बॉर्डर क्रिएट किया गया था ऐसे, यह आपका क्या कहलाता है? डुरंट रेखा। ठीक, अब पाकिस्तान के साथ यहां पर एक बॉर्डर है, वो कहलाता है आपका पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। चाइना के साथ ये वाला जो बॉर्डर है, अक्साई चीन के साथ जो हम बनाते हैं, वो है आपका LAC। क्या है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां पे डोगरा लद्दाख की पहाड़ी है, तो डोगरा लद्दाख की पहाड़ी, यहां पे तो आपका पूरा हिमालय ही है। ठीक, यहां पे अरुणाचल प्रदेश के पास में ये आपका चाइना और भारत का बॉर्डर है, ये कहलाता है आपका मैकमोहन रेखा। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर, भारत और म्यांमार ये अराकान योमा पहाड़ी के माध्यम से क्या होते हैं? अलग होते हैं। नेपाल और भूटान के साथ ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है। क्लियर, अब बात करते हैं किसका? तो श्रीलंका का। तो पाक जल संधि के माध्यम से भारत और श्रीलंका क्या होते हैं? पृथक होते हैं। ठीक वैसे ही आपका भारत का क्या है? लक्षद्वीप है। यहां से जाती है आपकी 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, तो 8 डिग्री चैनल के माध्यम से भारत और मालदीव क्या होते हैं? अलग होते हैं। यहां पर लक्षद्वीप का एक द्वीप है, उसका नाम है क्या? मिनी कॉय। क्या नाम है? मिनी कॉय। तो मालदीव और मिनी कॉय 8 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होते हैं। ठीक वैसे ही यहां पे आपका लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप और आपका मिनी कॉय, ये 9 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होते हैं। किसके? 9 डिग्री चैनल के माध्यम से। ठीक वैसे ही आपका 10 डिग्री चैनल है। क्या है? 10 डिग्री चैनल। तो ये आपका अंडमान द्वीप समूह, और ये आपका क्या? निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, ये 10 डिग्री चैनल के माध्यम से क्या होते हैं? पृथक होते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये आपके भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक, अब यहां पे भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में ये आपका मन्नार की खाड़ी है। यहां पे क्या है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में ही आपका क्या है? यहां पे भारत का जो हिस्सा है तमिलनाडु में,
यहीं पे क्या है आपका रामेश्वरम है। क्या है रामेश्वरम, जो आपका पंबन द्वीप में है। कहां पे है पंबन द्वीप, और श्रीलंका का यहां पे आपका तलैया मन्नार द्वीप है। क्या है तलैया मन्नार द्वीप, तो पंबन द्वीप और श्रीलंका के तलैया मन्नार द्वीप के बीच में ठीक है आपका एक पुल है, ब्रिज ना, ओके, जिसको आदम ब्रिज या एडम्स ब्रिज भी बोला जाता है, जिसे ही हम लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं। क्लियर है, ओके। तो ये आपका पंबन द्वीप लेके आपका कहां तक, तलैया मन्नार तक। क्या है आपका एडम्स ब्रिज या आदम ब्रिज, तो ये क्या हुए आपके भारत के पड़ोसी देश, बनेगा यहां तक। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं भारत से लगे हुए जलीय क्षेत्रों की। ठीक, तो जिस भी देश के पास है ना जलीय सीमा है, मतलब वो देश जो सागर से क्या है लगे हुए हैं, यानी कि जिनका सागरी तट है, तो उन देशों को सागर के कुछ दूरी तक कुछ विशेष प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। क्लियर है, तो कहां कहां कितनी दूरी तक किस किस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जैसे ये मान लीजिए ये आपका भारत का तट है, पश्चिमी तट अरब सागर वाला क्षेत्र, ये आपका क्या है अरेबियन सी, ये आपका अरब सागर है। क्या है अरब सागर, तो हर जगह देखोगे तो यहां से डिस्टेंस कुछ अलग है, यहां पे डिस्टेंस कुछ अलग है, यहां पे डिस्टेंस, तो कहीं से भी क्षेत्र से यदि आप देखोगे तो सभी जगह डिस्टेंस क्या होंगे अलग होंगे। तो सभी क्षेत्रों को मिलाते हुए एक क्या किया गया है, बेस लाइन खींचा गया है, इसको बोलते हैं क्या आपका आधार तट। क्या बोलते हैं आधार तट, तो आधार तट से कुछ दूरी तक अलग अलग क्षेत्रों में सागर में क्या किया गया है अधिकार दिया गया है। तो एक होता है प्रादेशिक जल सीमा, क्या प्रादेशिक जल सीमा, दूसरा अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल, और तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो आधार तट से बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक, कहां तक 12 नॉटिकल मील तक, मान लो यहां से यहां तक कितना 12 नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील बराबर, एक नॉटिकल मील बराबर ये आपका 1.63 के आसपास, ये आपका एक नॉटिकल मील बराबर 1.63 मील होता है, ओके 1.683 ऐसा समथिंग कुछ होगा। तो 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र क्या कहलाता है प्रादेशिक जल सीमा, यहां तक की दूरी तक संपूर्ण अधिकार भारत देश का है। क्लियर है, अब 12 नॉटिकल मील से लेके 24 नॉटिकल मील तक, 24 नॉटिकल मील तक, अगर आधार तट से देखोगे तो 24 12 36 हो जाएगा, तो 12 नॉटिकल मील से लेके 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र ये अविच्छिन्न मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है अविच्छिन्न मंडल। यहां पर भारत को कैसे अधिकार दिए गए हैं, तो पर्यावरणीय सुरक्षा बनाए रखना, ओके, साथ ही साथ सीमा शुल्क या वित्तीय अधिकार प्राप्त है किसको, भारत को, कहां तक अविच्छिन्न मंडल तक। उसके बाद आपका 24 नॉटिकल मील से लेके 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र क्या कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहां पर भारत देश को द्वीप बसाने का अधिकार, वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार दिया गया है, कहां तक आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक। क्लियर है।